जिस तरीके से भारत बंद है और तमाम जो पार्टियां उसको समर्थन नहीं कर रही हैं, क्या पुलिस की तैयारी है आपकी तरफ से, क्या अरेंजमेंट्स किया गया? देखिए, दिल्ली पुलिस ने पूरे प्रॉपर अरेंजमेंट किए हैं कल का जो प्रपोज्ड भारत बंद है उसके बारे में। हमारी ये कोशिश है कि जो आम जनता है, जो नॉर्मल सिटीजन हैं, दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, उनकी लाइफ किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि सब लोग शांतिप्रिय रहें। फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती कोई दुकान बंद करता है या सड़क रोकने की कोशिश करता है तो उस पर जो लीगल एक्शन बनता है वो लिया जाएगा। हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से पीसफुली है और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन करना चाहते हैं। कल को लेकर क्या तैयारी है? कल 11 बजे से और 3 बजे तक है। ये एक सांकेतिक होता है, अपना विरोध दर्ज कराने का एक आइडिया है एक किस्म से, कि हम भारत सरकार की कुछ नीतियों से सहमत नहीं है जी। तो हमारा विरोध है जी। ना हमारा ये है कि आम जनता को नुकसान पहुंचे कोई, इसीलिए 11 बजे से करा कि लोग अपने ऑफिस चले जाए और 3 बजे तक फिर ऑफिस की छुट्टी। अच्छा, हो जाए। इस दौरान आपकी तरफ से कहा गया कुछ जरूरी चीजें जो वाहन है उनको? सब चीजें हैं वो अपना चलती रहेगी, जो एम्बुलेंस है, बीमार आदमी है, शादी का जा रहा, अपना कार्ड दिखाओ, अपना निकल जाओ जी। दूल्हा दुल्हन बैठे तो उनको पूर्ण रूप से छूट है। अगर शादी में कोई जा रहा है 2 दिन का पहले का कार्ड दिखा दो और 2 दिन आगे का दिखा दो तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अच्छा, 9 तारीख को भी आप फिर से बैठक करने वाले हैं आप सरकार? क्या बैठक करेंगे? उम्मीद क्या? देखो, हम तो पूर्ण रूप से उम्मीद के साथ में सरकार से बात करते हैं, वहां जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और हम चाहते हैं कि समाधान निकले। अच्छा, राजनीतिक पार्टियां भी आपके समर्थन में उतर आई हैं? उतरना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को, जब देश में इस तरह की व्यवस्था हो जाए और सरकार ये लगे कि सरकार निंकुश होगी पूर्ण रूप से जी। तो जो विपक्ष का काम है उसको अपना काम निभाना चाहिए। उनको मंच दिया जाएगा? अभी भी नहीं दिया जाएगा। मंच कहाँ दे रहे, कहाँ यहाँ मंच लग रहे? बिल्कुल भाई, जमीन पर लोग बैठे, एक माइक लग रहा, कोई बोल रहे आने का बोल लो, क्या वो कोई जेब ले जाएगा काट के हंसे हमारी? 2013 में भी राहुल गांधी ने सभी उस वक्त अध्यक्ष थे पूर्व कांग्रेस के, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस शासित राज्यों में एपीएमसी एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट करेंगे और ताकि उनके दाम कम किए जा सके। मगर आज जब हमारी सरकार ये कर रही है तो किसानों को भरता लेने के लिए राहुल गांधी ही सबसे क्यों आगे है? वैसे ही शरद पवार जी ने भी उस वक्त बताया था, वो कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था और कहा था कि मंडी एक्ट में बदलाव जरूरी है और प्राइवेट सेक्टर को एंटर किया जाए और किसान अपने पाक अपने उपज को कहीं किसी भी उसको बेचने का अवसर प्राप्त किया जाए। ये शरद पवार ने भी उस वक्त बताया था, मुलायम सिंह यादव ने भी वही बताया था और ये योगेंद्र यादव ने भी ट्वीट किया था उस वक्त 2017 में कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी। ऐसे सभी लोग अब इस आंदोलन में अपनी बात को साइड में रखते हुए सिर्फ पॉलिटिकली लाभ लेने के लिए ये आंदोलन में कूद पड़े हैं। मैं मानता हूँ कि किसानों का कोई सपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ राजकीय अस्तित्व की अपने पार्टी को दिखाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। देखिए, कई सारी नहीं, गुजरात में किसानों की तरफ से एपीएमसी की तरफ से कहीं सी भी सपोर्ट नहीं है और कांग्रेस अभी भी चुनाव बहुत बुरी तरह से हारी है, वो भी किसान और रूरल एरिया था सभी, तो ये गुजरात में कोई स्थिति नहीं है और कल ये बंद सफल नहीं रहेगा। किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। आजादपुर मंडी समेत दिल्ली की दूसरी मंडियों के व्यापारियों ने भारत बंद के समर्थन में मंडी में व्यापार न करने का निर्णय लिया है। मंडी के सभी एसोसिएशंस ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि किसानों के समर्थन में वो मंडी के अंदर अपना व्यापार बंद रखेंगे। आजादपुर मंडी के सभी गेटों पर मंडी के व्यापारियों ने बैनर और होर्डिंग लगाकर
किसानों का समर्थन किया है। निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि अगर किसान ही नहीं रहेगा तो मंडी में व्यापार भी नहीं रहेगा। तो मंडी के व्यापारियों का यह साहसिक फैसला है, मंडी के व्यापारियों ने किसानों का साथ देके न सिर्फ अपने व्यापार बल्कि देश और किसानों का मान भी बढ़ाया।